लगता है कि हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नाट्य प्रशिक्षण केंद्र है जो पूरे उत्तर भारत में प्रथम था। एनएसडी को छोड़ दीजिए, एनएसडी के बाद लखनऊ और अभी भोपाल में है। वो जो कल्पना आपने की थी, मैं जानना चाहती हूँ कि उस कल्पना पर आप मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँ, आप कितने खरे उतरे? मैं इतना खरा उतरा कि मैं हर बार हारता गया। तो मेरे लिए बाजार ही नहीं था, तो खरा तो उतरा ही ना, क्योंकि खोटा सिक्का जीतता है। मैं जो करना चाहता था वो मैंने किया। मैं समझता हूं किसी भी कला को करने से पहले उसको सीखना चाहिए। आप कैसे भी सीखें, आप गुरुकुल में सीख लें, किसी टीचर के पास रह के सीखें, इंस्टीट्यूट में सीखें, इंडिया में एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसके बाद कोई भी संस्था नहीं थी हिंदुस्तान भर में कि जहाँ थिएटर को या परफॉर्मिंग आर्ट्स को, डांस म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, जिसको गंभीरता से लिया जाए। मैंने बहुत कम, मैंने सरकार को स्कीम दी थी कि ऐसा एक नाट्य प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए जहाँ लोग सीख सकें। बंगाल से मुकाबला नहीं था, महाराष्ट्र से, गुजरात से मुकाबला नहीं था। और अगर फोक थिएटर की बात आप करें तो जो आज हमारे यहाँ है फोक थिएटर के नाम पर यूपी में, बिहार में, क्या उसकी तुलना यक्षगान से की जाएगी, कथकली से की जाएगी? तो कहाँ है, ये मिथ्या है, ये एक भ्रम है जिसमें हम पल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता था कि टूटे और लोग सीखें, उनको जानकारी हासिल करें और वो पढ़ें, खुद अपने आप को सिखाएं। अगर गुरु नहीं मिलता है तो टैगोर ने कहा, इफ नो वन लिसन्स टू योर कॉल देन यू वॉक अलोन, यू वॉक अलोन, यू वॉक अलोन। अकेला अगर चलो, तुम्हें गुरु नहीं मिलता, अकेला चलो, अकेला चलो। एकलव्य ने अपने आप सीखा, तो कोई जरूरी बात नहीं कि इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन आप सीखें तो सही। ये नहीं कि आप उठे खड़े और आप क्योंकि देखने में अच्छे हैं आपने भटकना शुरू कर दिया और कहा ये नाट्य कला, क्या यही है भरतमुनि के नाट्य शास्त्र? तो मैंने पार्ट टाइम कोर्स शुरू किया, फिर 1 ईयर कोर्स किया, फिर उसका डिप्लोमा कोर्स बनाया। फिर चूंकि मेरी धारणा है, मेरी आस्था है कि जब तक बात गांव से शुरू नहीं होगी, जब तक बात ग्रास रूट से शुरू नहीं होगी, आप शजर के, आप पेड़ के टॉप पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते। फूल फल खिलता है ऊपर, जड़ जमीन में होती है। इसलिए मैंने चाहा कि रेपर्टरी कंपनी हो जो प्रोफेशनल लोगों की हो, और वो गांव गांव जाए, छोटे स्कूलों में जाए, छोटे कॉलेज में जाए। मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैंने ऐसा किया। तो जितना मेरे पास समय था उसमें जितना मैं कर सकता था पाठ्यक्रम को लेकर, मैंने पोस्ट क्रिएट करी। जितनी भी पोस्ट एकेडमी में आज भी हैं, वो सारी पोस्ट मैंने क्रिएट करी, यानी मेरे प्रपोजल से हुई। मैंने गवर्नमेंट से जाके जद्दोजहद करी, मैंने मांग की 2 साल का कोर्स रेपर्टरी कंपनी हो। मैंने कहा यहाँ पे नॉमन क्लेचर जो नाम दिए जा रहे हैं वो चेंज किए जा रहे हैं, इसको बजाय केंद्र बनाने के, साढ़े केंद्र की तरह केंद्र बनाने के, इसको फुल फ्लेज एकेडमी बनाया जाए, इसकी रेपर्टरी कंपनी हो, इसका स्टाफ हो। और यही नहीं, गवर्नमेंट की फाइलों में प्रपोजल पड़े होंगे जहाँ मैंने कहा कि ये 3 ईयर कोर्स होना चाहिए, ये अभी बात नहीं हुई, जिसमें 1 साल पूरी तरीके से टेलीविजन और फिल्म को दिया जाए। मैंने टेलीविजन और फिल्म के अफसरान को, डायरेक्टर्स को जिद करके कमेटी में रखवाया कि उनसे डायरेक्टर इंटरेक्शन हो। मैंने पूरी कोशिश करी कि हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाएं।